जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। एक खुशहाल जीवन जीना है तो ये बातें याद रखना। जल्दी माफ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हंसो और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का मौका कभी न। भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो दिल देखो, दिमाग मत देखो, और रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखो। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वो किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखिए, क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़पता हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो सदैव करेंगे, करते ही रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाय प्रार्थना उस शक्ति को पाने के लिए किया करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करने की क्षमता दे। अपने कर्मों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जिस काम को तुम शुभ और उचित समझो उसे खुलकर करो, पूर्ण समर्पण से करो, चाहे वो भक्ति हो, विद्यार्जन हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, या फिर प्रेम हो। जो भी करो पूर्ण तन्मयता से करो। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाओ, उन्हें चबाते रहोगे अर्थात सदैव उन्हें याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही होगा। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, संभव है कि उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। दुखी रहना हो तो हर किसी में कमियां खोजो, और प्रसन्न रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, परंतु फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, बीज का है। ठीक वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है। जो उचित हो वही करो। जैसे आनंद के लिए उचित है मधुर संगीत, खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध, निगलने के लिए अपमान, व्यवहार के लिए नीति, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, जीतने के लिए प्रेम, धारण करने के लिए धैर्य, तृप्ति के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोभ, करने के लिए सेवा, प्राप्त करने के लिए यश, फेंकने के लिए ईर्ष्या, छोड़ने के लिए मोह, रखने के लिए इज्जत और बोलने के लिए सत्य। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें चाहते हैं दिल से। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।